सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा समस्त अपने दर्शकों को, भारतवासियों को, श्रोताओं को कि चंद्रयान 3 मिशन संपन्न हो चुका है, सफलता प्राप्त हो चुकी है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इससे भारत का बहुत नाम हुआ है पूरे विश्व में, और ये दक्षिण ध्रुव पे उतरने वाला प्रथम चंद्रयान है। अब तक पूरे विश्व में कोई कामयाब नहीं हो सका। भारत ने ये कामयाबी हासिल की है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। देश का नाम ऊंचा हुआ है विश्व में, देश को इसके नाम से बहुत ख्याति मिली है, और इसी प्रकार हम सब मिल करके देश को आगे बढ़ाएं। और देश की जो आत्मा है वो है धर्म, वो है अध्यात्म। दो प्रकार का ज्ञान है, भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान। सदा से हमारे ऋषि ज्ञानी विज्ञानी रहे हैं, और हर प्रकार के सर्च पहले भी होते रहे। आप अपने दर्शनों को पढ़िए, 6 के 6 दर्शन, ये 60 दर्शनाचार्य जितने थे सब बड़े वैज्ञानिक थे, और बहुत खोजें हुई हैं। कितने सूत्र लिए गए हमारे उपनिषदों से, और जैसे कि गीता में कितने सूत्र हैं विज्ञान के ऊपर, जैसे सृष्टि के बारे में गीता कहती है, न रूप मस्य तथो लभ्यते न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठ। इस सृष्टि का आदि नहीं और इस सृष्टि का अंत नहीं, न च संप्रतिष्ठा, केवल परिवर्तन है। आज वैज्ञानिकों ने भी बात सिद्ध कर दी, गीता का सूत्र वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि एनर्जी कभी कभी ह्रास नहीं होता, एनर्जी केवल कन्वर्ट होती है, रूपांतरित तो हो जाते हैं, लेकिन इसका नाश नहीं होता। और एनर्जी भी दो प्रकार की है, चैतन्य एनर्जी और जड़ एनर्जी। बिजली आदि जो आप देखते हैं ये ऊर्जा भी ऊर्जा है, और ये है जड़ एनर्जी, भौतिक एनर्जी। और जो आत्मा और परमात्मा, ये भी एनर्जी स्वरूप है, ये भी पावर है, ये आध्यात्मिक एनर्जी है, चैतन्य एनर्जी है। चैतन्य एनर्जी जिसको कहते हैं जिसकी अपना जिसका ज्ञान इंद्रिय हो, अपने ज्ञान इंद्र जिसके पास हो, अर्थात ज्ञान जिसके पास हो, उसको चैतन्य कहते हैं। और जिसके पास अपना ज्ञान नहीं होता, ज्ञानहीन जड़, उसको कहते हैं जड़ भी कहते हैं, जड़ चेतन, वो भी एक शक्ति है, जैसे बिजली की शक्ति है। और सौर ऊर्जा देखो, सौर से ही बिजली पैदा हो जाती है, ये भी एनर्जी है। आकाश में बिजली चमकती है, एनर्जी है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब गतिमान है, ये सब एनर्जी से ही सब होता, सारी सृष्टि एनर्जी से चल रही है। और जो नक्षत्र हैं अब अपने स्थान पर घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, ये सब एनर्जी है, ये जड़ एनर्जी है। तो हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी दोनों प्रकार के हुए, हमारा ये आध्यात्मिक विज्ञान और साथ साथ भौतिक विज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान तो हमारा युगों से ही विश्व का पथ प्रदर्शन कर रहा है, और अब हमारा ये विज्ञान भी प्रतिदिन अग्रसर हो रहा है। ये तो चंद्रमा पे हमारा प्रथम कदम अभी शुरुआत है, अभी तो और आगे बढ़ना है। और हमारा देखिए भागवत जी का 5म स्कंद उठा के पढ़िए, उसमें कितनी विज्ञान की चर्चा है, ग्रहों की, नक्षत्रों की चर्चा है। आप पढ़िए 5वां स्कंद भागवत जी का, पूरा ब्रह्मांडों की चर्चा है, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत अनंत ब्रह्मांडों की खोज, हमारे शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, सब होगी। और कालमान के बारे में देखो कितना बड़ा हमारा विज्ञान, पहले वैज्ञानिक कहा करते थे जब खोजें नहीं हुई, वो तो काल को तत्व ही नहीं मानते थे, लेकिन अब खोज हो चुकी है कि काल अर्थात टाइम, समय, ये भी एक वस्तु है। और पहले आकाश को तत्व नहीं मानते थे वैज्ञानिक, लेकिन वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। पहले वैज्ञानिक मानते थे आकाश कोई तत्व नहीं, खाली जगह है, खाली को ही आकाश कहा गया, लेकिन नहीं, हमारा शास्त्र कहता है आकाश खाली नहीं है, आकाश में स्वयं में एक तत्व, एक वस्तु है, अति सूक्ष्म वस्तु है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने खोज कर लिया कि आकाश भी तत्व, तो हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, तो उन्होंने सब लिखा 5 तत्व हमारे यहाँ, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन कुछ समय पहले वैज्ञानिक 4 तत्वों को मानते थे, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को तत्व नहीं मानते थे, समय को तत्व नहीं मानते थे। हमारे यहाँ 27 तत्वों में समय भी एक तत्व है,
और प्रकृति, काल और भगवान, इन तीन तत्वों को लेकर के सृष्टि बनी है। ये हमारे भागवत जी पढ़िए, आप दूसरा स्कंध पढ़िए, तीसरा स्कंध पढ़िए, इसमें कितना लिखा काल और प्रकृति, ये तत्व प्रकृति के और भगवत इच्छा, भगवान चेतन आत्मा, इनसे सब मिला करके जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीर करता, तो जड़ चेतन सबको मिला करके सृष्टि बनी, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो वैज्ञानिक भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हमारे ग्रंथों में जो लिखा है उसी का विस्तार अब हो रहा है, हमारे ग्रंथों की सब बातें सत्य निकल रही हैं। ग्रहों के बारे में हमारे हजारों सालों से, लाखों सालों से नवग्रहों की पूजा करते हैं और अब सब सिद्ध हो रहा है। हमारे यहाँ बृहस्पति को पीला बताया गया, आज विज्ञान भी कहता है बृहस्पति पीले रंग का। हमारे शास्त्रों में मंगल को लाल कहा गया है, आज विज्ञान भी कहता है मंगल ग्रह लाल है। तो ये सब विज्ञान है हमारे ऋषि मुनियों का, अब उसी का प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। इसी प्रकार चंदा चंद्रमा का, अब आगे से आगे और भी खोजे होंगे। और हमारे यहाँ चंद्रमा को तो औषधियों का देवता माना गया है। और ये संयोग की बात कहिए कि हमारे सोमनाथ जी जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, सोमनाथ, शंकर जी का नाम भी सोमनाथ है और सोम का अर्थ चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा का अर्थ सोम होता है। तो सोमनाथ जी हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, और उनका देखिए साथ सब वैज्ञानिकों ने मिल करके, मुख्य रूप से अपने सोमनाथ जी, और सोम अर्थात चंद्रमा के ऊपर कदम रखा हमारे भारत ने, इसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ संपूर्ण श्रोताओं को और अपने देशवासियों को, समस्त वैज्ञानिकों को बहुत बहुत साधुवाद।